बदमाशों द्वारा शराब के लिए पैसे मांगने पर पोस्टमैन ने इनकार क्या किया, बदमाशों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस हरकत में आती दिखाई दे रही है। पूरा मामला सिंगरौली थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है। जिले में बदमाशों का कहर जारी है। दबंगों को पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं है। इसकी सच्चाई जब देखने को मिली तब शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 55 वर्षीय शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लात घूसों से पीटा गया और इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि चितरंगी थाना क्षेत्र के अस्पताल के पास दबंगों ने घंटों बीच सड़क पर उत्पात मचाया। बेखौफ दबंगों ने सरेराह गुंडागर्दी करते हुए एक अधेड़ को लात घूंसे मारते हुए दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिससे शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह मारपीट हुई वहां बड़ी संख्या में आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन दबंगों को रोकने या पुलिस को सूचित करने के बजाय वीडियो बनाने में लगे रहे। दबंग बेरहमी से बीच सड़क पर अधेड़ को पीटते रहे और भीड़ मूक दर्शक बन वीडियो बनाती रही। पीड़ित का जिला अस्पताल बैढ़न में इलाज जारी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। चितरंगी थाने में फरियादी है एक भगवंत लाल बैश, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनके भतीजे के साथ मारपीट घटना हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। चितरंगी थाने में धारा 341, 323, 294, 506 का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है और मामले को विवेचना में ले लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी, उसमें नामजद आरोपी बनाए गए हैं। ऑफिस से वहाँ अपना ऑफिस से लेके चितरंगी के लिए ऑफिस कैसे पहुँचा खड़ा था और हमें बगदरा मिल गए और उन्हें हमें मिला के मिले तो बोले कि हमें पैसा दीजिए, पैसा दारू के लिए मैंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद वहाँ चितरंगी आके पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने मारपीट करने लगे। इसके बाद मैं जब बेहोश पड़ गया तो मैं भाई से मेरे पजर रहते हैं तो भाई लोग फोन लगाए बोले भाई से तो भाई और पिताजी टेम्पो के साथ में आए। अच्छा। लोग आए हम एक लोग चार लोग पर भिड़ेंगे तो क्या सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।